मैंने अभी तक मारा नहीं क्योंकि नीता को अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं ना। अच्छा है कबीर सिंह का हीरो बना रही हूँ। कभी ये मुझे चिल्लाता है ना तो मुझे ऐसे लगता है शिट यार, मतलब। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेयान, वेलकम टू हिंदी रश। आज बातों ही बातों में मेरे साथ ढेर सारी बातें करने के लिए हैं सबसे बड़े प्रैंकस्टर्स एजे और नीता। वेलकम टू हिंदी रश। सो मैं बता दूँ, बातों ही बातों में मैं आपको कुछ हाफ सेंटेंसेस देने वाली हूँ एंड यू गाइस हैव टू कंप्लीट इट। सो लेट्स सी कि किसका कंप्लीट सेंटेंस सबसे ज़्यादा फन होता है। सो यू गाइस आर रेडी? श्योर। ओके, जब मैंने पहली बार टिकटॉक वीडियो बनाया था मेरे दिमाग में नीता आई थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। रियली? यस, अभी भी नहीं आता। सोचने का काम एजे का है। ओके, मेरा पहला टिकटॉक वीडियो जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था क्यूटनेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? आप बताना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। क्या था वो वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो वीडियो में ऐसा था कि एजे मुझे रैंडमली आके पूछ बोलता है कि सुनो ना, आपके फेस पे कुछ लगा है। तो मैं बोलती हूँ कहाँ पे, तो ये बोलता है यहाँ पे। ओ, क्यूटनेस था। तो ये ऐसे, मतलब इसका रिएक्शन और मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। टिकटॉक पे हमें फॉलो कर सकते हो, उस पे है ओइट्स प्रैंक पे। तो वो बहुत अच्छा वीडियो था हमारे लिए। ओके, एक मेरा हाफ सेंटेंस यही है कि लास्ट टाइम मुझे इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि ये मेरा बात नहीं सुनती। हाँ, नहीं, और कोई ऐसा इंसिडेंट। अच्छा, कोई इंसिडेंट? वो तो बहुत पर्सनल है। था कल की बात है। कल जब डांस का कोई वीडियो आ गया ना, तो हम लोग के बीच में बहुत झगड़ा होता है। मुझे क्योंकि डांस नहीं करना। हाँ, तो इसको मेरे साथ डांस करना नहीं होता। बट अगर कोई ब्रांड डील आया है और उसको रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों एक साथ डांस करें, तो करना ही होगा हमें। तो इसको बहुत मुझे डर लगता है एक्चुअली। मुझे तो मैं उस बात से मैं बहुत चिल्लाता हूं। नहीं, इसका रीजन है क्योंकि ना एजे ने मुझे पहले से ही ना बहुत कभी चिल्लाया नहीं है, तो मुझे उसकी आदत नहीं है एक्चुअली। फिर कभी ये मुझे चिल्लाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है शिट यार, मतलब क्यों ऐसे मुझे फील होता है। तो इसलिए मैं डरती हूँ पहले से। मैं दिमाग में ऐसे सोचती हूँ, आज तो मैं जानी वाली हूँ। इस बात से बस। हर जगह पे तो बॉस चिल्लाता ही है। अगर कोई काम एम्प्लॉय ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको चिल्लाएगा, वो प्यार से एक हद तक समझाएगा, उसके बाद तो वो चिल्लाएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो चिल्लाएगा ही। ऐसे कौन से बॉस है जो प्यार से समझाएंगे? एक दूसरे की शॉकिंग बात जो फैंस को नहीं पता वो ये है कि एजे को एजे जितना प्यारा दिखता है उससे ज्यादा उसको गुस्सा आता है, जो लोगों को नहीं पता। एकदम क्या पता, मैं तो लोगों को पता है। अगर आपने मूवी देखा होगा कबीर सिंह, कबीर ना, कबीर ओनली, कबीर सिंह, तो सेम एजे है वैसा। प्यार उतना ही करता है बट गुस्सा उतना ही है। आई डोंट नो, पता नहीं। अच्छा है कबीर सिंह का हीरो बना रही हूँ। अच्छा है ना। नहीं, आपको भी ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, आप गेम से भटकिए, भटक रहे हो। अच्छा, तो इसके जो नहीं पता है लोगों को कि ये जितनी क्यूट दिखती है ना उतनी नहीं है, उससे ज्यादा क्यूट है। अरे अरे, कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गए हो। अगर मुझे अभी कोई जोक क्रैक करना हो तो मैं कहूंगा या कहूंगी इसको गाना गाने के लिए नहीं गा सकती बिकॉज मैं बाथरूम सिंगर हूँ और मेरा है ना अभी एजे को मेरा कुछ नहीं है, डांस करने बोलूंगी। तो मैं तो डांसर हूँ, मैं तो डांस कर लूँगा। बट तू गाना गाना? हाँ, गाती हूँ। कौन सा? कौन सा भी गा, लोग बोर हो जाएंगे यार। क्यों बोर हो जाएंगे? कुछ सेकंड से गाना है तुम्हें। कुछ सेकंड ही, चार पाँच गाने आ जाएगा। नहीं, डायलॉग बोल सकती हूँ पर। अच्छा, डायलॉग बोलो। डायलॉग ही बोल दो, फिल्मी कैमरे की तरफ देख के। सुनो ना, कैमरे की तरफ बोलो ना। मैं किसको बोल रही हूँ? सबको बोल रही हूँ, ऑडियंस को बोल रही हूँ। हाँ, पर तू उसका आंसर दे। हाँ, मैं आंसर। सुनो ना, आपका कोई नाम है या मैं आपको आई लव यू करके बुलाऊं? क्यों बुला रही हो आई लव यू? पागल, चल। ओके, मेरी फेवरेट कोस्टार अब तक, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ वीडियोस बनाए। कोस्टार्स अभी तो फिलहाल मैं दो वीडियो मैंने कोलैबोरेशन किया है, जिसका जुमाना और माही, मतलब मेरे पार्टनर्स ही हो लोग दोनों, तो उनका ही नाम लेना चाहता हूँ। और तुम? मैं तो किसी भी एक्टिव ऐसे बोल सकती हूँ।
हाँ बोल सकते हो। मुझे मैंने अभी तक जस्सी गिल और अरमान मलिक, टोनी कक्कर एंड और स्वप्निल जोशी, इन सबके साथ किया तो मुझे काम अच्छा लगा, पर सबसे ज़्यादा टोनी कक्कर। ओके, मेरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। वाओ, टेल टेल। एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ एम्बैरेसिंग मोमेंट ये होता है जब हमको बहुत सारे फैंस मिलते हैं ना, तो बहुत ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है, हाथ मिलाने कोई हाथ मिला रहा है, ऐसा कोई हाथ मिला रहा है, ये हाथ मिलाने के चक्कर में मैं हाथ मिलाता हूँ, फिर ये हाथ के साथ रोज होता है, फिर मैं वैसे बोलती हूँ यार, फिर मैं खुद बोलता हूँ प्लीज मुझे हाथ मिला दो प्लीज ऐसे, मतलब अभी मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग हाथ मिलाते हैं ऐसे, अभी इसको हाथ मिलाओ एक मिनट, फिर वो लोग चले जाते हैं ऐसे, तो फिर ये ओ शिट चल तू मिला ले, तू मिला पोपट, एक दूसरे के सामने पोपट। ओके, तो दोनों का एम्बैरेसिंग मोमेंट यही है, यही है एक्चुअली, हाँ यही। और हाँ एक है, हम लोग जब ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो मैं ऐसे पागल जैसे करती रहती हूँ जोर जोर से फ्लाइट में, मतलब ये बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मतलब कुछ भी पागलपन की, जैसे कि 10 लोगों का ध्यान मेरे पे ही जाना चाहिए, ऐसी हरकतें से ये परेशान होता है। अच्छा तू करती है, अरे वही ना, वो उसमें तो है ना। एक बार मैंने किसी को जोरदार थप्पड़ मारा था, मैंने एक बार मैंने कंप्लीट डजन मारा एजे को, मारा What, AJ? हाँ, क्योंकि वैसा वो वीडियो करना था, वीडियो के रिलेटेड उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उसने चांस भी मार लिया क्योंकि उसको हाथ साफ करना ही था। ऐसी मतलब बात करते करते ना ऐसे मारने की आदत है, तो मजाक में भी कभी कभी ऐसे मारती हूँ, इसको पसंद नहीं है पर मारूंगी मैं। और आपका? मैंने अभी तक मारा नहीं क्योंकि नीता को अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं ना, तो गाइस छेड़ो, कोई नहीं मारेगा। मेरी फर्स्ट सैलरी, मैं जब बॉलीवुड में मतलब इंडस्ट्री में एज अ बैकग्राउंड डांसर थी, तभी वही मेरी फर्स्ट सैलरी। कितनी मिली थी? फर्स्ट मेरी थी कुछ 3 दिन के लिए 5,300 फर्स्ट वाला, देन मेरी फर्स्ट सैलरी 4,500 समथिंग था, मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, तो वो फर्स्ट जॉब था मेरा। फर्स्ट सैलरी तो रखा? नहीं, मैंने तो घर पे दे दिया था पूरा पैसा, फिर क्योंकि फर्स्ट सैलरी का वही रहता ना, घर पे देना रहता, फिर उसके बाद भी मैंने घर पे दिया और शॉपिंग। ओके, कहीं भी लेट पहुंचने के बाद मैं कहता हूं या कहती हूं कि आई एम सॉरी, बहुत ट्रैफिक थी और पहली बात तो मैं लेट आती ही नहीं, मैं हमेशा टाइम पे ही रहती हूं। अच्छा, तेरे वजह से ये मेरा है, मैं टाइम पे ही पहुंचती हूं। ओके, आज ही आज कौन लेट किया? कभी किधर, कभी बारिश आ रही थी, 1 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम। अभी ये क्या बोली, मैं कभी लेट नहीं आती, एक रुपए भी चोरी होता है 100 रुपए भी चोरी होता है ना। स्लो क्लैप तेरा ही। ओके, मेरे बारे में एक गलत अफवाह ये है कि हम दोनों कपल है। गलत तो नहीं है, लोग देख सकते केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऐसी है कि लोगों को लगता है कि हम लोग ने शादी की है, बोलो अभी। हाँ, ये भी लोगों को पता है कि हाँ। यस, ओके, तो फिर ऐसा नहीं है। तो क्या कुछ प्लानिंग है या नहीं? किसकी प्लानिंग तो है मेरी कि मैं शादी करूंगी 3-4 साल बाद, कोई लड़का अगर मुझे पसंद करता है तो रिश्ता लेके मेरे घर पे आ सकता है। तो कर ले, अच्छा मैं तो बिजी चल रहा हूँ, एजे सर को भी बहुत काम करना है। हाँ।